नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सपोर्ट के चैनल में। मैं बोल रहा हूँ एसजी फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट रखे हैं। पहला है हमारा पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी स्पॉटलेस फेयरनेस फेस वॉश और दूसरा है हमारा रूप मंत्रा का एलोवेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन फेस वॉश। आज मैं इन दोनों का कंपेरिजन करने वाला हूँ, बताऊँगा इनमें से बेस्ट कौन सा है, क्योंकि एक है बिल्कुल हर्बल और एक दूसरा है केमिकल से मिलकर बना हुआ। तो कुछ लोग केमिकल का बनाया हुआ पसंद करते हैं क्योंकि वो काफ़ी फास्ट तरीके से वर्क करता है, जबकि कुछ लोग हर्बल तरीके से बनाया हुआ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इन दोनों में कंपैरिजन करके बता दूंगा कि बेस्ट कौन सा है आपके लिए, क्योंकि इन दोनों में से जो भी प्रोडक्ट यूज़ होगा वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आपके लिए और आपके स्किन को काफ़ी निखारने में मदद करेगा, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट को हर तरीके के लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो अडल्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये पॉन्ड्स का स्पॉटलेस वाइट ब्यूटी फेयरनेस फेस वॉश है जिसकी मार्केट में प्राइस है 28 रुपीज़ और ये 15 ग्राम का पैक है। ये छोटा पैक है इसलिए काफ़ी पोर्टेबल है। इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बनाती है जो कि केमिकल से मिलके बना हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मेन बात यह है कि किसी भी तरीके के ये एक्ने पिंपल्स या झाइयों झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए नहीं होता है, केवल हल्का सा ग्लो देने के लिए होता है, लेकिन जिस पर्पज़ से ये बनाया गया है वो उसमें ये काफ़ी माहिर है। और दूसरा है हमारा रूप मंत्रा का एलोवेरा आयुर्वेदिक मेडिसिनल फेस वॉश जो कि आयुर्वेदिक तरीके से बनाया जाता है, और इसके फाउंडर हैं डॉक्टर जुजेजाज जिन्होंने दिबसा नामक कंपनी का निर्माण किया, उसमें इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है रूप मंत्रा एलोवेरा के नाम से। फ्रेंड्स, इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट रहता है इसलिए बेसिकली आपके स्किन पर डर्ट को रिमूव करता है और प्रिवेंट करता है ब्लेमिशेस एंड पिंपल्स से, मतलब किसी भी तरीके का एक्ने पिंपल्स नहीं आने देता है और एक ऐसा लेयर बना देता है कि आपके चेहरे पर डस्ट वगैरह या फिर किसी भी तरीके का जर्म्स नहीं आ पाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं वो बेसिकली हर्बल होते हैं जिसमें तुलसी वगैरह और एलोवेरा और नीम के रस वगैरह यूज़ किया जाता है, और बेसिकली ये 115 ml का पैक है, 83 रुपये प्राइस है, तो ये काफ़ी सस्ता है, उतना महंगा भी नहीं है, तो हर तरीके के लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हल्का सा स्लो वर्क करता है इसीलिए इसका ये मेन डिसएडवांटेज है, लेकिन इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये वर्क ज़रूर करता है और इसे बच्चे और वुमेंस अडल्ट और ओल्ड एज मैन हर तरीके के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। जबकि पॉन्ड्स हमारा है फ्रेंड्स, ये काफ़ी फास्ट तरीके से काम करता है और हर तरीके के लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन कंपैरिजन में मुझे पता चला फ्रेंड्स और लोगों के ओपिनियन से मुझे पता चला कि नंबर वन हमारा है पॉन्ड्स का ही, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट तरीके से वर्क करता है और ये भी हर्बल तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ही डिसएडवांटेज वाला प्रोडक्ट नहीं है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये स्पॉटलेस फेयरनेस देता है अगर आप फेयरनेस की बात करते हैं तो। लेकिन आप एक्ने पिंपल्स की बात करते हैं तो आप रूप मंत्रा का यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि हल्का सा स्लो वर्क करता है, लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे आपको वर्क देखने में, और ये इंस्टेंट फेयरनेस लाता है। तो दोस्तों, ये था इनमें मेन डिफरेंस। अगर आप चाहते हैं इसे ख़रीदना तो आप मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क पे शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।